हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम वी स्टडीड अबाउट रिफाइनिंग मेथड्स एंड वी हैव स्टडीड लिक्वेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग एंड जोन रिफाइन। इन कंटिन्यूएशन ऑफ दैट सीरीज, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट मेथड ऑफ रिफाइनिंग, दैट इज कॉल्ड एज वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट metals are converted to their volatile compounds while impurities are not affected during compound formation। मतलब कि ये जो method है, ये method इस principle के ऊपर based है कि metal compounds को, metal जो है उसको एक volatile compound में convert किया जाता है by using suitable reagent and then During this compound formation, impurities are not affected। Means impurity जो है इस process के दौरान affect नहीं करती। Only metal जो है that form compound, then that compound on heating at further higher temperature decompose to give the pure metal। So dear students, this method is mainly used for those metals which form volatile compound with suitable reagent। वोलेटाइल कंपाउंड बनने के बाद फिर उसको हायर टेम्परेचर पर हीट करेंगे टू गेट द प्योर मेटल। इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? टू रिक्वायरमेंट्स आर देयर। फर्स्ट इज मेटल शुड फॉर्म ए सुटेबल कंपाउंड विद सुटेबल रिएजेंट। पहली कंडीशन ये है कि जो भी मेटल इस मेथड से रिफाइन करने जा रहे हैं, दैट मेटल मस्ट फॉर्म वोलेटाइल कंपाउंड, सुटेबल कंपाउंड, वोलेटाइल कंपाउंड विद सुटेबल रिएजेंट, पहली कंडीशन। दूसरी क्या रिक्वायरमेंट है कि जो वोलेटाइल कंपाउंड बना है, दैट शुड बी इजीली डिकम्पोजेबल। ऐसा ना हो कि वोलेटाइल कंपाउंड बन जाए फिर आगे वो डिकम्पोज ही ना हो प्योर मेटल को सेपरेट करने में। सो दैट शुड बी इजीली डिकम्पोजेबल सो दैट मेटल कैन बी इजीली रिकवर्ड। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो मोंट प्रोसेस हम यूज करते हैं इस मेथड के अंदर, मोंट प्रोसेस जो है, दिस प्रोसेस इज यूज फॉर रिफाइनिंग ऑफ निकल मेटल। निकल मेटल की रिफाइनिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। और इसमें क्या करते हैं, निकल इज हीटेड इन ए स्टीम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड टू फॉर्म वोलेटाइल निकल टेट्रा कार्बोनिल। यानी कि निकल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीट किया जाता है, क्या करने के लिए, एक वोलेटाइल कंपाउंड निकल टेट्रा कार्बोनिल NiCO4 बनाने के लिए। और फिर जो है उस कॉम्प्लेक्स को हायर टेम्परेचर पर हीट करेंगे और जिससे क्या होगा, वो डिकम्पोज हो जाता है टू गिव प्योर निकल मेटल। सो यू कैन सी हेयर, निकल वन ट्रीटेड विद कार्बोनिल एट टेम्परेचर रेंज 330 to 350 केल्विन। आपको टेम्परेचर रेंज याद रखनी है, 330 to 350 केल्विन टेम्परेचर पर जब इसको हीट करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर जो है 450 to 470 केल्विन पर, हायर टेम्परेचर पर जब इसको हीट करेंगे वोलेटाइल कंपाउंड को, देन प्योर निकल इज सेपरेटेड एंड कार्बोनिल इज अगेन अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस। सो विद दिस टाइप वी कैन इजिली सेपरेट दोज मेटल, रिफाइन दोज मेटल्स विच फॉर्म वोलेटाइल कंपाउंड्स, एंड फ्रॉम वोलेटाइल कंपाउंड्स मेटल कैन बी इजिली रिकवर्ड। सेम टाइप का जो है एक और मेथड हमारे पास, नेक्स्ट मेथड है, दैट इज वैन आर्कल मेथड। दैट इज वैन आर्कल मेथड। दिस मेथड इज मेनली यूज्ड फॉर रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स लाइक जिरकोनियम एंड टाइटेनियम। ये जो मेथड है जिरकोनियम और टाइटेनियम मेटल्स के लिए मेनली यूज किया जाता है। इन दिस मेथड मेटल्स फॉर्म अनस्टेबल कंपाउंड, यानी कि अनस्टेबल कंपाउंड वेपर फेज में वोलेटाइल कंपाउंड बनाते हैं ये भी। और कंपाउंड जनरली किसका होता है, आयोडाइड कंपाउंड होता है, विच इज देन हीटेड एट हायर टेम्परेचर टू गेट प्योर मेटल। अब इस प्रोसेस के दौरान भी क्या होता है, इम्प्योरिटीज आर नॉट अफेक्टेड। सो जिरकोनियम मेटल है, आयोडीन वेपर की प्रेजेंस में हीट करेंगे एट 870 केल्विन टेम्परेचर, देन अनस्टेबल कंपाउंड जिरकोनियम टेट्रा आयोडाइड इज फॉर्म्ड और ये वेपर फेज में बनता है, विच देन ऑन हीटिंग एट हायर टेम्परेचर, देखो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है 2075 केल्विन टेम्परेचर, और टंगस्टन फिलामेंट के ऊपर होता है क्योंकि टंगस्टन जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर हीट किया जा सकता है। देन इन प्रेजेंस ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर जिरकोनियम आयोडाइड इज डिकम्पोज टू गिव प्योर जिरकोनियम एंड आयोडीन गैस।
सिमिलरली जो है टाइटेनियम है उसको जो अगर हम हीट करते हैं 523 केल्विन टेम्परेचर पर इन प्रेजेंस ऑफ वेपर्स ऑफ आयोडीन देन वोलेटाइल कंपाउंड जो है टाइटेनियम टेट्राआयोडाइड बनता है। उसके बाद उसको 1700 केल्विन टेम्परेचर पर फर्दर हीट करेंगे तो इट गिव प्योर टाइटेनियम मेटल एंड आयोडीन गैस इज रिकवर्ड। सो डियर स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट वी हैव डन रिफाइनिंग प्रोसेस एंड वी ऑल्सो स्टडीड द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम आयरन ऑक्साइड। तो वहाँ पर आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि लास्ट में जब हम आयरन की एक्सट्रैक्शन करते हैं फ्रॉम हेमेटाइट Fe2O3 देन वी फाउंड दैट द मोल्टन आयरन फॉर्म्ड इज कॉल्ड पिग आयरन। उस मोल्टन आयरन जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, पिग आयरन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज दैट आयरन कंटेन्स नियर अबाउट 4% कार्बन कंटेंट एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज इन इट। सो उस कार्बन में, उस आयरन की फॉर्म में पिग आयरन जिसको बोला गया 4% कार्बन होता है एंड दैट कैन बी इजिली कास्ट इन टू वेराइटी ऑफ शेप्स, उसको बहुत सारी शेप्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। बट उसके बाद हमने पढ़ा था वन दिस कार्बन कंटेंट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 4% टू 3% देन दैट इज कॉल्ड एज कास्ट आयरन, फिर उसको कास्ट आयरन कहा गया था। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ आयरन दैट इज रोट आयरन WRUGST रोट आयरन। दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन फॉर कॉमर्शियल पर्पज, कॉमर्शियल पर्पज के लिए प्योरेस्ट फॉर्म होती है आयरन की और इसमें जो है कार्बन कंटेंट जीरो बहुत कम होता है, 0.2 से 0.5% कार्बन कंटेंट होता है एंड स्मॉल अमाउंट में इम्प्योरिटीज, वेरी स्मॉल अमाउंट में इम्प्योरिटीज स्लैग की फॉर्म में होती है। सो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रिपरेशन ऑफ रोट आयरन। प्रिपरेशन ऑफ रोट आयरन, रोट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉमर्शियल आयरन, कॉमर्शियल आयरन की प्योरेस्ट फॉर्म होती है। इट कंटेन्स अबाउट 0.2 to 0.5% कार्बन बिसाइड्स ट्रेसिज ऑफ फॉस्फरस एंड सिलिकॉन इन फॉर्म ऑफ स्लैग। मतलब क्या है कि रोट आयरन जो है इसमें 0.2 से 0.5% कार्बन होता है और साथ में इसके अलावा वेरी स्मॉल अमाउंट में फॉस्फोरस और सिलिकॉन स्लैग की फॉर्म में होते हैं। यानी कि फॉस्फोरस जो होता है आयरन फॉस्फेट की फॉर्म में FePO4 की फॉर्म में होता है और सिलिकॉन जो है सिलिकेट की फॉर्म में होता है, स्लैग फॉर्म में होता है। जो ये स्लैग की प्रेजेंस होती है, प्रेजेंस ऑफ स्लैग इन इट, इसके अंदर रोट आयरन के अंदर जो प्रेजेंस होती है स्लैग की, ये इसे टफ और रेजिस्टेंट बनाता है इसके लिए टुवार्ड्स रस्टिंग एंड करोजन। रोट आयरन को कैसे प्रिपेयर करते हैं, मैंने बोला है कि स्टार्टिंग में पिग आयरन होता है, पिग आयरन में 4% कार्बन है, देन कास्ट आयरन है उसमें 3% कार्बन है, तो फिर 3% कास्ट आयरन जो प्रेजेंट है जिसमें 3% कार्बन है उसको फर्दर रिड्यूस करके 0.2 to 0.5% पर लेके आते हैं, तब जा करके आपका रोट आयरन बनता है। तो देखो रोट आयरन को क्या करेंगे, कास्ट आयरन को उसके कार्बन कंटेंट को डिक्रीज करके और इम्प्योरिटीज, अभी भी जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है उनको, कौन सी सल्फर है फॉस्फोरस या सिलिकॉन, इनको रेवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर जो है हीट करके उनके वोलेटाइल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उस रेवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर जो भट्टी होती है उसके अंदर हेमेटाइट की लाइनिंग होती है, अंदर की साइड में हेमेटाइट लगा होता है क्योंकि हेमेटाइट ही है जो कार्बन के कंटेंट को कम करेगा। तो हेमेटाइट क्या करता है, कार्बन को CO में कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड में, सिलिकॉन को सिलिका में और MN को मैंगनीज ऑक्साइड में। तो इस तरीके से Fe2O3 प्लस कार्बन, कार्बन को डिकम्पोज करेगा, कार्बन को ऑक्सीडाइज करके CO में कन्वर्ट कर देगा और खुद जो है ऑक्साइड फॉर्म से मेटल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से जो है वो सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड में, आयरन को इसको कार्बन को कार्बन मोनोऑक्साइड में, MN को MnO में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये स्टूडेंट जो CO गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, SO2 गैस है, दीज आर गैसेज एंड दीज कैन बी रिमूव्ड और दीज गैसेज एस्केप फ्रॉम द फर्नेस एंड जो MnO फॉर्म बनता है, दिस MnO कम्बाइंस विद सिलिका, SiO2 के साथ कम्बाइन होता है क्या बनाने के लिए, सिलिका के साथ मिलकर के स्लैग बनता है और फॉस्फोरस, और देखो यहाँ पर मैंने कहा फॉस्फोरस को भी ऑक्सीडाइज करता है, उसकी रिएक्शन नहीं लिखी है, फॉस्फोरस Fe2O3 प्लस फॉस्फोरस करेंगे तो Fe प्लस P4O10 बनेगा, तो P4O10 जो है
ये फर्दर है Fe2O3 के साथ मिलकर के फेरस, ये जो आपका है फॉस्फेट जो होता है Fe4O3- होता है और Fe3+, तो यहाँ पर फेरिक फॉस्फेट बनेगा, यहाँ पर Fe3+ बनेगा, फेरिक फॉस्फेट जो है स्लैग होता है। तो इस तरीके से जो है रोट आयरन की प्रिपरेशन की जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। डियर स्टूडेंट्स, मेनली जैसे हमने आयरन की एक्सट्रैक्शन पढ़ा, आयरन की एक्सट्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा कि इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हेमेटाइट Fe2O3 ऑक्साइड फॉर्म से हम जो है एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। इन द सेम वे अगर हम कॉपर की एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो कॉपर की एक्सट्रैक्शन जो है वो ऑक्साइड फॉर्म से भी की जा सकती है। और ऑक्साइड फॉर्म में पहले जो कॉपर ग्लांस है Cu2S है उसको ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं रोस्टिंग प्रोसेस से, और जो कॉपर पाइराइट है CuFeS2 उसको भी हम रोस्टिंग प्रोसेस से कॉपर ऑक्साइड में Cu2S जो है वहाँ से बनता है, फिर उसको फर्दर हम Cu2O में कन्वर्ट करते हैं। तो इन दिस वे टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। कॉपर की एक्सट्रैक्शन करेंगे। अब देखो कॉपर कॉपर ग्लास में भी होता है, कॉपर पाइराइट में भी होता है। सो नेक्स्ट इज कॉपर एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम क्यूपरस ऑक्साइड। सो डियर स्टूडेंट्स, बिफोर स्टडिंग दिस एक्सट्रैक्शन लेट अस सी दिस एलिंगम डायग्राम रिलेटेड टू कॉपर। अभी भी आयरन में जैसे आपको वैसे तो आयरन में भी क्लियर हो गया होगा, फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा और क्लियर कर लें। तो डियर स्टूडेंट यहाँ देखिए कर्व को देखें ध्यान से, ये जो 300 और 400 के बीच में 300 और 400 डेल्टा जी नोट जो वैल्यू है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज की जो वैल्यू है, इसके बीच में देखो नियर अबाउट 350 के आसपास ये CCO कर्व है, CCO2 कर्व। सी कौन सी कर्व कौन सी है कैसे पता चलता है, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या बना है, तो वही कर्व बोला जाएगा। इस कर्व को हम बोलेंगे CCO2 कर्व, ठीक है। इस कर्व को देखें आप, ये कर्व इसमें देखो सी कार्बन है कोक और CO बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे CCO कर्व, ठीक है। यहां पर CU जो रिएक्टेंट है Cu2O बन रहा है, तो इसको क्या बोला जाएगा Cu2O कर्व। इस कर्व को क्या बनेंगे, CO से CO2 बन रहे, CO2 कर्व। एंड दिस वन इज ZnZnO कर्व। अब इसमें देखो चेंज क्यों है, ट्रांजिशन क्यों, बिकॉज दिस ट्रांजिशन शोज द फेज चेंज। अगर सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इस तरीके से फेज जब चेंज होता है तो वहां पर ये एब्रप्टली चेंज हो जाता है स्लोप। सो डियर स्टूडेंट यहां पर ध्यान से देखें, CU का जो कर्व है CuCO कर्व देखो, CuCO2O कर्व देखें, ऑल द कर्व रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास कोक कार्बन और CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है, और एक डायरेक्ट कार्बन की कंप्लीट ऑक्सीडेशन CO2 में कन्वर्ट होता है। तीन कर्व हमारे पास ये है, एक तो ये CCO कर्व है, एक CCO2 डायरेक्ट है, और तीसरा CO से CO2 है। ये कौन सी होगी, CO से CO2 कर्व है। तो तीनों कर्व जो है दीज आर मच बिलो देन द CuCO2 कर्व, कॉपर की कर्व से नीचे है। इसका मतलब क्या है कि ऑल दीज 1, 2 और 3 दीज 3 कैन बी यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, बट फिर हमने ये पढ़ा हुआ है कि द सुटेबल एजेंट इज दैट इन विच द फ्री एनर्जी चेंज डिफरेंस इज वेरी लार्ज। ज्यादा जिसमें फ्री एनर्जी चेंज डिफरेंस रहेगा वो बेटर और इजी जो है रिडक्शन करेगा। तो यहां पर देखिए CuCO2 कर्व के नीचे एक तो ये कर्व है CO2 की, ये तो इसके बिल्कुल पास में है, उसके बाद ये जो कर्व है दूसरी CO2 की CCO2 ये बीच में है, सबसे नीचे कौन सी कर्व है CCO कर्व। तो CCO कर्व का और CuCO2 कर्व का दोनों का ये जो डेल्टा नोट का डिफरेंस है दिस इज वेरी लार्ज। तो इसका मतलब क्या है कि कोक जो है विल बी यूज्ड एज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द रिडक्शन ऑफ CO2। अब बात आती है कि CO2 से, अब देखो तीनों में से इजीली कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं, बट हम कौन सा लेंगे, सी लेंगे, कोक लेंगे जो CO में कन्वर्ट होगा, बिकॉज दिस इज द क्लियर, देयर इज क्लियर डिफरेंस, लार्ज डिफरेंस बिटवीन डेल्टा जी नोट वैल्यू ऑफ बोथ द कर्व। अब देखो ध्यान से CCO कर्व
लिंगम डायग्राम के अंदर टॉप पे प्रेजेंट है, जबकि सी सी ओ है सी सी ओ टू और सी ओ सी ओ टू कर दीज लाई मच बिलो। इसका मतलब क्या है कि इट इज वेरी इजी टू रिड्यूस सी यू टू ओ टू सी यू, सी यू टू ओ को सी यू में कॉपर में रिड्यूस करना यूजिंग कोक एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये मैंने बता दिया क्यों कर रहे हैं कोक को, क्योंकि यहाँ पर सी यू से ज्यादा डेल्टा जी नोट डिफरेंस है, इसीलिए इसको ले रहे हैं। तो अब बात आती है कि सी यू टू, सबसे पहले तो देखो कॉपर के जो मेनली जो ओर्स हैं, कॉपर ग्लांस है सी यू टू एस है और कॉपर पायराइट है सी यू एफ एस टू है, दीज आर प्रेजेंट इन सल्फाइड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो सल्फाइड फॉर्म्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इन टू ऑक्साइड फॉर्म बाय रोस्टिंग दैम। सो डियर स्टूडेंट्स, सल्फाइड और आर फर्स्ट रोस्टेड टू फॉर्म ऑक्साइड्स। तो सी यू टू एस कॉपर ग्लांस का अगर केस लें तो सी यू टू एस प्लस ऑक्सीडेशन कर दी, यहाँ पर रोस्टिंग प्रोसेस कर दिया, ऑक्सीजन की फुल सप्लाई में हीट करते हैं तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, क्यूप्रस ऑक्साइड एक्चुअली है ये, सी यू टू ओ है और कॉपर वन ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो जाती है। फिर देखो ये जो ऑक्साइड बना है इसके साथ में कोक एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके आसानी से रिडक्शन की जा सकती है। इसमें तो देखो सी यू टू एस है और इजिली ऑक्सीडेशन होकर के रोस्टिंग होकर के ऑक्साइड बन जाएगा, ऑक्साइड के बाद फर्दर जो है रिडक्शन कर लेंगे कार्बन के साथ, ईजी हो जाते हैं। बट मेनली इन केस ऑफ कॉपर पायराइट वहां पर आयरन भी साथ में है, तो कॉपर आयरन सल्फाइड भी बोल सकते हैं इसको, सी यू एफ एस टू होता है इसमें। तो सल्फाइड और जैसे कि कॉपर पायराइट के केस में आफ्टर कंसंट्रेशन करते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से, उसके बाद उसकी रोस्टिंग करेंगे, फिर रोस्टेड जो है देन इट इज रोस्टेड इन रेवर्बरेटरी फर्नेस। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस करने के बाद, कंसंट्रेशन करने के बाद उसकी क्या करते हैं रेवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर रोस्टिंग कराते हैं, और रोस्टिंग में क्या होगा कॉपर पायराइट जो है पहले तो मिक्सर में कन्वर्ट होगा आयरन सल्फाइड और क्यूप्रस सल्फाइड के मिक्सचर में, फिर वो पार्शली ऑक्सीडाइज होगा, विच देन पार्शली ऑक्सीडाइज्ड। सो देखें इसमें जो कॉपर पायराइट है, कॉपर पायराइट जब ऑक्सीडेशन करेंगे यानी कि रोस्टिंग करेंगे, तो रोस्टिंग करने पर कॉपर क्यूप्रस सल्फाइड और आयरन जो है आयरन सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में SO2 गैस बनती है। अभी जो जब ये ऑक्सीडेशन करते हैं रोस्टिंग प्रोसेस करते हैं तो हमारे पास मिक्सचर ऑफ क्यूप्रस सल्फाइड एंड आयरन सल्फाइड इज फॉर्म्ड, देन दिस मिक्सचर इज फर्दर पार्शली ऑक्सीडाइज, फिर इसकी भी पार्शली ऑक्सीडेशन हो जाती है। ऑक्सीडेशन में देखो क्या होगा FeS प्लस O2 FeO में कन्वर्ट होगा, अगर CO2S है प्लस O2 CO2O प्लस में SO2 बनेगा। देखो पहले तो ये ध्यान रखना आयरन पायराइट की रोस्टिंग होगी तो क्यूप्रस सल्फाइड और आयरन सल्फाइड का मिक्सचर बनता है, फिर फर्दर इसकी भी पार्शल ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो ये देखो CO2S किस में कन्वर्ट होना चाहिए CO2O में, और FeS किस में होना चाहिए FeO में। अब बात ये तो होना चाहिए, बस बात आती है कि जो आयरन सल्फाइड FeS है, आयरन सल्फाइड में जो प्रेजेंट आयरन है, आयरन इज मच मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये क्या करता है FeS जो है वो खुद FeO में कन्वर्ट हो जाता है, CO2S को CO2O में कन्वर्ट नहीं होने देता। तो FeS इज प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज, पहले FeS FeO में कन्वर्ट होता है, इसके कंपैरिजन में CO2S से CO2O के कंपैरिजन में। अगर बाय चांस जो है कुछ अमाउंट CO2S की CO2O में बदल भी जाती है तो FeS फर्दर उसके साथ रिएक्शन करके दोबारा से उसको CO2S में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो मान लो जैसे ये रिएक्शन बाय चांस ये रिएक्शन हो जाती है CO2O बन जाता है, तो ये क्या करेगा FeS इस बने हुए CO2O के साथ रिएक्शन करके उसको दोबारा से CO2S में कन्वर्ट कर देता है और आप FeO में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात आती है कि इसका मतलब जब रोस्टिंग प्रोसेस यहां से यहां तक का स्टेप स्टडी करें तो हम क्या देखेंगे, ये तो ब्रेक डाउन हो जाता है इस मिक्सर में, अब ये जो मिक्सर है पार्शियली ऑक्सीडाइज होकर के इसमें और इसमें बनते हैं, बट FeO तो बन जाता है, CO2O जो है ये दोबारा से बैक हो जाता है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से CO2S में ही रह जाते हैं। अब बात आती है कि अगर ये सारा का सारा FeS जो FeO में कन्वर्ट होता है तब तो नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें से कुछ अमाउंट FeO में कन्वर्ट नहीं हो पाती, सम अनरिएक्टेड FeS बच जाता है।
तो यहां से रोस्टिंग के बाद हमारे पास क्या बचता है, रोस्टेड और मेनली कंटेन्स CO2S रहेगा ये, और FeO जो यहां से बनता है FeO रहेगा, और कुछ अनरिएक्टेड क्या रहेगा FeS रहेगा। तो हमारे पास इस टाइम पर ये तीन चीजें हैं रोस्टिंग के बाद। अब बात आती है कि ये रोस्टेड और है, इसको मिक्स करते हैं कार्बन और सिलिका के साथ। कार्बन के साथ जब मिक्स करते हैं तो स्मेल्टिंग प्रोसेस होता है, और सिलिका जो है स्लैग फॉर्मेशन के लिए होता है। तो जो सिलिका है FeO प्लस SiO2, ये तो क्या बन जाएगा FeSiO3 स्लैग बन जाता है। अब स्लैग बन गया, और देखो CO2S हमारे पास एज इट इज है, बट जो कार्बन क्यों ऐड कर रहे हैं हम, देखो इसमें कार्बन भी ऐड किया, कार्बन इसलिए ऐड कर रहे हैं अगर इसमें FeO जो है फॉर एग्जाम्पल फर्दर ऑक्सीडेशन से अगर Fe2O3 में कन्वर्ट हो गया हो, तो उसको चेक करने के लिए हम कार्बन डालते हैं। क्यों? क्योंकि अगर FeO जो है Fe2O3 में कन्वर्ट हो गया तो कार्बन से पता चल जाएगा CO गैस बन जाएगी, CFe3O प्लस ये बन के 2Fe प्लस 3CO ये बन जाएगा। तो CO के बनने से चेक हो जाएगा कि FeO जो है Fe2O3 में कन्वर्ट तो नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो अच्छी बात है, अगर कन्वर्ट हो गया तो फिर उसको जो है दोबारा से FeO में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब ये देखो स्लैग फॉर्मेशन हो गई, और एक हमारे पास CO2S रहेगा मोल्टन फॉर्म में, और साथ में स्लैग है। तो ये जो इसके बाद जो स्लैग फॉर्मेशन के बाद जो हमारे पास दो लेयर बनती है, एक बनती है मोल्टन लेयर CO2S की, और दूसरी बनती है स्लैग की। डियर स्टूडेंट, जब फर्नेस में ब्लास्ट फर्नेस में हमारे पास स्लैग होता है CO2S होता है, तो एंटायर मास जो मेल्ट हो जाता है सारा का सारा, और दो लेयर बन जाती है मोल्टन मास की। एक लेयर होती है स्लैग की अपर लेयर होती है, क्योंकि स्लैग जो होता है वो लाइटर होता है, हल्का होता है, एंड इट फॉर्म अपर लेयर एंड कैन बी विड्रॉन, उसको ऊपर से निकाला जा सकता है ऊपर के पार्ट से। जैसे आपने ब्लास्ट फर्नेस में देखा था ना कि ऊपर से स्लैग फॉर्मेशन थी, स्लैग की लेयर ऊपर थी, और वहां से स्लैग को रिमूव करने के लिए आउटलेट था, और नीचे की तरफ जो पिग आयरन को रिमूव कर रहे थे, इसी तरीके से ब्लास्ट फर्नेस में स्लैग को ऊपर से रिमूव कर दिया जाता है, और जो रिमेनिंग पार्ट बच जाता है लोअर मोल्टन लेयर, उसको कॉपर मेट कहा जाता है, कॉपर मेट। एंड कॉपर मेट जो है इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या होता है, एक तो CO2S होता है और अनचेंज्ड आयरन सल्फाइड FeS होता है। डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट चाहते हैं कि अभी हमने CO2S को ही, यानी कि हमने आयरन की इम्प्योरिटीज को रिमूव किया है, अदर इम्प्योरिटीज को रिमूव किया है, अभी कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर मेट, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट यहां से भी आ सकता है। तो जब ऐसे पूछा जाता है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर मेट एक्सप्लेन करो, तब आपको यहां से शुरू करना पड़ेगा कि कॉपर मेट में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ CO2S एंड सम अनचेंज्ड FeS। अगर कंप्लीट बोला जाता है तब आप स्टार्टिंग से कर सकते हैं। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कॉपर मेट में से, तो ब्लास्ट फर्नेस में जो कॉपर मेट बना है उसको ट्रांसफर करेंगे बेसीमर कन्वर्टर में। बेसीमर कन्वर्टर हमारे पास ये डायग्राम में है, तो ये किसका बना होता है, ये स्टील का बना होता है, और अंदर की जो लाइनिंग है इसकी वो सिलिका की, सिलिका लगा होता है उनके ऊपर। तो ये किसके एक्सल के, ये दो क्या है एक्सल होता है जिसके ऊपर ऐसे टिल्ट, किसी भी पोजिशन में ये टिल्टेड हो सकता है। और इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि जो भी अभी स्टील इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, जैसे कि सल्फर आर्सेनिक या एंटीमनी की इम्प्योरिटी जो अभी भी प्रेजेंट है, उनको हम क्या करते हैं, उनको ऑक्सीडाइज कर देते हैं उनके वोलेटाइल ऑक्साइड्स में, और FeS जो ये अनचेंज था FeS, इस FeS को भी ऑक्सीडाइज कर देते हैं FeO में, और फिर FeO सिलिका के साथ मिलकर के क्या बन जाता है, सिलिकेट बन जाता है। सो डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे, ये मोल्टन मेटल है, यहाँ से हॉट एयर और सैंड को पास किए, हॉट एयर जो है ये क्या करेगी, ऑक्सीडेशन करेगी, तो जो इम्प्योरिटी जैसे सल्फर आर्सेनिक या एंटीमनी, इनको ऑक्साइड में, वोलेटाइल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगी और रिमूव हो जाएंगे, और FeS जो है अनचेंज्ड FeS मोल्टन मेटल में है वो FeO में कन्वर्ट होगा, और सिलिका के साथ सैंड के साथ मिलकर के सिलिकेट बन जाएगा। तो जब देखो यहाँ पर सिलिकेट जब बनेगा, तो सिलिकेट यहाँ पर अपर लेयर मोल्टन लेयर बनाएगा, फिर इसको टिल्टेड करके ऊपर से मोल्टन लेयर को रिमूव कर दिया जाता है, और फाइनली जो है जब प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि कंप्लीट आयरन FeS जितना भी था कंप्लीट
FeS जो है देखो FeS FeO में कन्वर्ट होगा, FeO प्लस SiO2 ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FeSiO3। तो जब तक कि सारा का सारा आयरन FeO में कन्वर्ट होके फिर सिलिकेट नहीं बन जाता, आयरन सिलिकेट स्लैग नहीं बन जाता, तब तक ये प्रोसेस करते रहते हैं और जो भी अपर लेयर बनती रहती है स्लैग की उसको रिमूव करते रहते हैं। फाइनली जो है हमारे पास सिर्फ मोल्टन कॉपर बच जाता है जो ट्यूरीज के थ्रू जो है नीचे इकट्ठा हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम द कॉपर मेट। सो डियर स्टूडेंट्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर वी हैव ऑलमोस्ट डन बट अभी थोड़ा सा बचा हुआ, इसमें ध्यान से देखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा कि जो जब इसको हम हीट कर रहे हैं तो FeS जो है FeO में कन्वर्ट होता है और FeO सिलिका के साथ मिलकर के आयरन सिलिकेट स्लैग बनता है, स्लैग यहाँ पर अपर लेयर बनाता है और अपर लेयर को टिल्ट करके रिमूव कर देते हैं। तो ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि होल आयरन रिमूव नहीं हो जाता। तो जब आयरन को ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो उसी दौरान कुछ Cu2S+Cu2O में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो Cu2S+O2 Cu2O बन जाता है, तो ये जो Cu2O बनता है वो Cu2O रिमेनिंग Cu2S के साथ मिल करके देन फ्री कॉपर मेटल इज फॉर्म और साथ में SO2 गैस बनती है। तो देखो जब ये कॉपर बनेगा मोल्टन कॉपर, ये तो ट्यूरीज के थ्रू फॉल करके नीचे इकट्ठा हो जाता है और फिर जो इसको टिल्टेड करके रिमूव कर देंगे तो जैसे ही कूल होगा ठंडा होगा SO2 गैस एस्केप हो जाती है और हमारे पास कॉपर रेडी हो जाते हैं। बट अभी भी कॉपर जो बना है इट स्टिल कंटेन्स 1% इम्प्योरिटी, बहुत कम जो इम्प्योरिटी है, इसीलिए इस कॉपर को ब्लिस्टर कॉपर कहा गया है। कौन सा कॉपर कहा गया? ब्लिस्टर कॉपर। और फिर इसको फर्दर जो है 100% प्योरीफाई करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का यूज करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर ऑल्सो, नेक्स्ट वी विल डिस्कस एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। ये जो ग्राफ है इसको ध्यान में रखेंगे, डायरेक्टली हम जो विदाउट ड्रॉइंग ग्राफ जो उसको करेंगे, वैसे आपको समझा देता हूँ उसमें करना क्या। देखो ध्यान से, जिंक की एक्सट्रैक्शन करते हैं, जिंक इज मेनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स सल्फाइड ओर से इसको निकाला जाता है। तो सबसे पहले तो रोस्टिंग करके सल्फाइड को ऑक्साइड में बदलेंगे और आप देखें यहाँ पर ऑक्साइड से कैसे इसको रिमूव करते हैं। तो ये जो कर्व है जिंक जड़न वो कर्व है, तो इस कर्व में ध्यान से देखें तो ये आपका 1180 केल्विन जो टेम्परेचर है ये बॉइलिंग पॉइंट होता है जिंक का 1180 केल्विन। तो इस टेम्परेचर से पहले इससे बिलो देखें ये तीनों जो कर्व है 1, 2, 3 ये तीनों जो रिड्यूसिंग एजेंट की कर्व इससे ऊपर है। तो इसका मतलब है कि बिलो 1180 बॉइलिंग पॉइंट जो होता है जिंक का उससे कम टेम्परेचर पर ये रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिड्यूस नहीं किया जा सकता। बट तो जैसे आप देखेंगे 1270 केल्विन टेम्परेचर जो है इसके बाद जो देखेंगे इसके बाद हम देखेंगे कि इससे ऊपर या इस टेम्परेचर पर CCO कर्व जो नीचे होती है और बाकी कर्व दोनों CO और CO2 कर्व ऊपर होती है। इसका मतलब 1270 केल्विन टेम्परेचर या उससे ज्यादा टेम्परेचर पर कोक जो है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जा सकता है। तो डायरेक्टली जो है 2-3 लाइनों में इसको हम लिख सकते हैं, तो अदरवाइज आप खुद भी इसको कर सकते हैं, मैंने इसको समझा दिया यहाँ से। आपको सिर्फ ये लिखना है कि ग्राफ से हम ये देख सकते हैं कि 1180 केल्विन टेम्परेचर जो बॉइलिंग पॉइंट है जिंक का उससे कम टेम्परेचर पर ना तो कार्बन मोनोऑक्साइड को रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं ना कार्बन को ले सकते हैं, यहाँ पर कार्बन को भी नहीं ले सकते। बट जैसे ही इससे ज्यादा टेम्परेचर करेंगे 1270 केल्विन या उससे ज्यादा टेम्परेचर करेंगे तो उस टाइम पर सी की कर्व जो है ZNO कर्व से नीचे आ जाती है, CCO कर्व नीचे आ जाती है, इसीलिए कोक रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जा सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल डिस्कस ओनली एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्यूज एल्यूमिना। एल्यूमिनियम को एल्यूमिना से एक्सट्रैक्ट करेंगे, हमने लीचिंग प्रोसेस पढ़ा था एल्यूमिना के लिए, अब हम एल्यूमिना में से एल्यूमिनियम को निकालेंगे बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस और उसके बाद थोड़ा सा जो है और का डिस्कस करेंगे, देन हमारी जो यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक यू आर गेटिंग एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू यू अबाउट दिस यूनिट, बट आई थिंक यू आर नॉट स्टडिंग विद दैट क्यूरियोसिटी, जो होनी चाहिए उससे आप नहीं पढ़ रहे हैं। सो आपको जो है बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी टॉपिक, देन यू कैन आस्क फ्रीली। सो डियर स्टूडेंट्स,
काइंडली फोकस ऑन योर स्टडीज एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे।